लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। हमने पिछली वीडियो में दोस्तों बात की थी लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के प्रिंसिपल के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक है वो कौन से अपरेटस के अंदर किया जाता है और दूसरा उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक, तो पहले बात करते हैं अपरेटस के बारे में कि कौन सा अपरेटस यूज़ होता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए। तो देखो, जो अपरेटस है उसका नाम है गडजेट अपरेटस। ठीक है, गडजेट अपरेटस यूज़ होता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के लिए। ये जो डायग्राम मैंने दे रखा है नीचे, ये है गडजेट अपरेटस का डायग्राम। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं तो हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो चाहिए हमें 120 ml वाइड माउथ ग्लास बॉटल विद रबर कॉक। ठीक है, एक ग्लास की बॉटल चाहिए 120 ml, इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, वाइड माउथ होना चाहिए। ठीक है, और साथ में इसमें रबर कॉक होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद दूसरी चीज़ है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब। 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब होनी चाहिए जिसका इनर डायमीटर 6.5 mm होना चाहिए और आउटर डायमीटर 8.0 mm होना चाहिए। ठीक, इसके बाद आगे बात करें तो हमें और क्या चाहिए, और हमें चाहिए मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ठीक है, एक मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो हो फिट होना चाहिए दो रबर बंक्स के बीच में। ठीक है, कुछ हाइट पे। ठीक है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर जो है वो फिक्स होना चाहिए रबर बंक्स की हेल्प से। ठीक है, जो रबर बंक्स है वो हमने फिट कर रखी है किसकी हेल्प से, क्रिप की हेल्प से। ठीक है, ये जो मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है वो एक्चुअल में कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए इसकी लेंथ यहाँ से लेकर वहाँ तक। ठीक, इसके अलावा एक और चीज़ जो इसके अंदर मेन है वो है कॉटन प्लग। ठीक है, यहाँ पे एक कॉटन प्लग होना चाहिए। कॉटन प्लग कितना होना चाहिए, तो कॉटन प्लग 25 mm बिलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि इससे 25 mm से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। और कॉटन प्लग जो होता है इसके अंदर होता है लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का काम क्या है, लेड एसीटेट का काम ये है कि जो भी सॉल्यूशन में से आर्सेनिक इम्प्योरिटीज़ के साथ साथ अगर कोई सल्फर इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है, जो कि भाई गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाती है, तो वो जो कॉटन प्लग है वो सल्फर इम्प्योरिटीज़ को यहीं रोक लेगा। ठीक है, जिससे कि भाई वो आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ के साथ जो टेस्ट हो रहा है उसके अंदर कोई एरर पैदा ना करे। ठीक है, तो मेन जो कॉटन प्लग का काम है वो क्या है, सल्फर इम्प्योरिटीज़ को रोकने के लिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसी में प्रोसीजर के बारे में कि आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। तो देखो, प्रोसीजर के लिए हमें ये चीज़ जान लेनी है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो ऑपरेटर सेट करने पड़ेंगे, एक तरफ तो स्टैंडर्ड और दूसरी तरफ टेस्ट। ठीक है, जो स्टैंडर्ड वाला होगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, तो स्टैंडर्ड वाले के अंदर होगा 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक, 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक इन 50 ml वाटर। ठीक है, 50 ml पानी में 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आर्सेनिक में 10 ppm आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। इसके बाद इसमें क्या करना है, सेकंड पॉइंट, इसमें ऐड करना है 10 ml स्टेनस एसीएल एसिड। थर्ड, ऐड करना है 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड और 10 ग्राम जिंक मेटल। ठीक, इसके बाद क्या करना है, प्लेस इन अपरेटस फॉर 40 मिनट। इसको हमें एक अपरेटस में प्लेस कर देना है। जो ऊपर तीनों चीज़ें हमने देखी हैं, तीनों पॉइंट्स के अंदर चीज़ें देखी हैं, इनको सबको मिला के अपरेटस के अंदर प्लेस कर देना है फॉर 40 मिनट्स। ऐसे ही अगर हम बात करें टेस्ट में, तो टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही करना है, बस जो डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड और टेस्ट में वो फर्स्ट पॉइंट में ही है। ठीक है, इसमें 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया था आर्सेनिक का, यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमें सैंपल दिया हुआ है जिसके अंदर हमें टेस्टिंग करनी है कि आर्सेनिक की इम्प्योरिटीज़ मौजूद है या नहीं है या फिर कितनी लिमिट तक मौजूद है, तो हम उस सैंपल को लेंगे, डिसॉल्व सैंपल इन 50 ml वाटर, उस सैंपल को लेंगे और उसको डिसॉल्व कर लेंगे 50 ml वाटर में। ठीक है, बाकी पॉइंट्स इसके सेम रहेंगे कि भाई 10 ml उसमें स्टेनलेस स्टील डालना है, 1 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड, 10 ग्राम जिंक और 40 मिनट्स के लिए रख देना है एक दूसरे सेपरेट गडजेट अपरेटस में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जब दोनों को रख देंगे और 40 मिनट्स हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर ऑफ बोथ। एक तरफ तो जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ वाला गडजेट अपरेटस होगा उसके ऊपर क्या होगा, मर्क्यूरी क्लोराइड जो पेपर होगा उसके ऊपर स्टेन आ जाएगा। ठीक है, उन दोनों स्टेनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर ऑफ बोथ। ठीक है, स्टैंडर्ड वाला का भी और टेस्ट वाले का भी। इसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट मस्ट हैव लेस स्टेन देन स्टैंडर्ड टू पास। जो टेस्ट वाला होता है इसका जो स्टेन होता है, यानी जो इसका दाग बनेगा, ठीक है, वो कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, जब भी हमारा जो टेस्ट है वो पास होगा। तो ये थी बात हमारी लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में।